में जैसे संत तुकाराम जी डूबे, ऐसा भजन तुकाराम जी ने कहा, सबकी सब बैठ कर भजन कर रहे थे। इतने में धर्मपत्नी आई, सिर पे पानी का मटका। पत्नी ने देखा अभी तक नहीं गए, यहीं बैठ के भजन गा रहे। संत तुकाराम के ऊपर पानी का मटका फेंका, जैसे ही फेंका सबकी सब गीले हो गए। पत्नी अंदर चली गई। संत उठकर जाने लगे, तुकाराम जी क्या करें, तुकाराम जी के बैठे रहो, हमारी पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी नहीं होगी, कभी झूठ तो बोलती नहीं। पहले आई थी गरज के चली गई, अब की बार आई बरस के चली गई। हिसाब पर उसके जैसी दुनिया में कोई नहीं हो सकती महाराज, उसके जैसी कौन। भक्ति में डूबे। भगवान शिव ने कहा पार्वती ये नहीं हो सकता, मैं तुझे एक वचन दे दिया कि पति पत्नी में झगड़ा होगा तो उनमें प्रेम बढ़ेगा, पर दूसरा वचन नहीं दूंगा कि पति मृत्यु लोक में मरने वाले व्यक्ति के कान में गुरु मंत्र मिले। ये बड़ा कठिन है महाराज, ये नहीं हो सकता, बहुत कठिन, ये तो कभी नहीं होगा। पार्वती मैया जिद पे अड़ गई और माता पार्वती ने कहा प्रभु आपको गुरु मंत्र तो देना पड़ेगा, जो काशी में मरेगा उसके कानों में मंत्र देना पड़ेगा। शंकर भगवान मना कर दिए, पार्वती जिद पे अड़ी रही, नहीं माने। तब भगवान शिव ने वचन दिया, ठीक है पार्वती मैं तुझे वचन देता हूं, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती भी चतुर थी, पार्वती ने मन में सोचा कि आप गुरु मंत्र दोगे वो ठीक है, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया, मुझे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि आपने गुरु मंत्र दिया, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले अब तू बता कि तू क्या चाहती है। पार्वती जी बोली महाराज एक बात सुनो, आप गुरु मंत्र तो देना मना नहीं है, पर मरने वाले व्यक्ति के सीधे कान में गुरु मंत्र देना और मंत्र को देकर कान को मोड़ देना। जब कान को मोड़ दोगे तब मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। महाराज तब मुझे लगेगा कि आपने गुरु मंत्र प्रदान कर दिया, आपने गुरु मंत्र दे दिया, आप गुरु मंत्र दे दिए हो। शंकर भगवान कहे पार्वती ठीक है, हिंदू धर्म की आज की भी रीति है, काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी नियम, आज भी। अगर किसी के काशी में अगर प्राण छूटे हैं तो उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाएगा। अपने काशी में मरने अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं। पूरी भारत की भूमि के सबसे ज्यादा अगर मुर्दे जलेंगे तो वो काशी में जलेंगे, अभी मुक्त नगरी। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था क्या काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, पर जब काशी में महेश्वरी भवन में बिदर कर्नाटक की महिला मंडल वाष्पी महिला मंडल ने कथा करवाई, थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए भैया, रिटर्न बढ़ाइए। वाष्पी महिला मंडल ने जब कथा कराई तब हम वहाँ पहुँचे तो मणिकर्णिका के घाट पर हमने जाकर बहुत सारे मुर्दों को देखा। तो हमने उनसे कहा भैया हमको यहाँ पर इनका मुख देखना है, मुख देखना है। हाँ तो आपके कोई रिश्तेदार है क्या। अब हमने सोचा व्यक्ति मर तो गया है तो रिश्तेदारी है, ऊपर जाके तो सब एक संबंधी। हमने कहा हाँ भैया हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं हाँ चले। और एक का मुंह देखा तो उसके तो कान सीधे थे, दूसरे का मुख देखा उसका भी कान सीधा था। हमने सोचा इसमें शिव महापुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, तो यहाँ तो कान सीधा है। और आगे गए, तीसरे नंबर के मुर्दे का जब देखा तो उसका कान टेढ़ा था, तो हमने सोचा हो सकता है जन्म से टेढ़ा। हम और आगे गए, अब उसका कान भी सीधा, और आगे गए तो उसका कान टेढ़ा, फिर और आगे गए तो उसका कान भी टेढ़ा। तब हमने सोचा अब जरा पूछें कि मुर्दा कहाँ का है। जिसके कान सीधे थे उससे पूछा, भैया ये कहाँ का मुर्दा है? तो क्या ये काशी से 40 किलोमीटर दूर का। ये कहाँ का है? तो कि काशी से 42 किलोमीटर दूर का। जिसके कान टेढ़े थे उसका पूछा ये कहाँ का है? तो कि काशी की ये वाली कॉलोनी का। जिसके कान टेढ़े थे उसका पूछा ये, तो कि काशी के पास का, ये काशी से। तब समझ में आया कि काशी के बाहर अगर किसी के प्राण छूटते हैं तो उसके कान सीधे ही थे, और जो काशी में मरा था उसका एक कान टेढ़ा ही था। अर्थात भगवान शंकर ने गुरु मंत्र देकर उसके कान को टेढ़ा कर दिया था। अब बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा देवता होगा जो पृथ्वी पर मरने वाले व्यक्ति को भी गुरु मंत्र देकर भेज देता होगा? कौन देव? इसलिए देव अधिदेव एक ही देव। देवताओं का भी जो देव है वो महादेव, वो महादेव, देवों का भी देव वो महादेव। इसलिए फिर निवेदन, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल, उसका क्या बिगड़ने वाला। देव अधिदेव है, देवताओं का भी देवता, सुख देने वाला। चंचुला देवी चली, आज काशी जा रही है और मन में काशी के दर्शन नहीं है उसके। ना तो उसके मन में कभी भाव आया था कि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगी, पर काशी जा रही है। क्यों जा रही है? तो गांव के लोगों ने कहा काशी में जरा वस्त्र अच्छे मिलते हैं, साड़ियाँ अच्छी मिलती हैं, कुछ श्रृंगार की वस्तुएं अच्छी मिलती हैं। उसने सोचा चलो शॉपिंग कर आएंगे। चलो तो सर गई, पहुंची, भ्रमण कर कर काशी में एक मंदिर के ओटले पर, मंदिर के बाहर शिव महापुराण की कथा चल रही थी और वो एक वस्त्र की दुकान पे से साड़ियाँ वस्त्र खरीद रही थी। तब चंचुला देवी के कानों में शब्द गया शिव महापुराण का। तो चंचुला देवी शब्द को सुनकर, शब्द को ज्ञात कर कर माता चंचुला वहाँ कथा सुनने के लिए बैठ गई। वहाँ बैठी चंचुला। जब कथा सुनने के लिए चंचुला देवी बैठी, चित्त चंचुला का कथा में लग गया, शिव महापुराण में चली। और शिव पुराण का एक अंश सुनने के बाद में जब गई, गंगा नहाकर बाहर निकल रही थी, पांव फिसल गया। पांव फिसलते ही सीढ़ियों पर उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटते ही चंचुला देवी माता पार्वती की सहेली बन गई। माता पार्वती के धाम में शिव के दरवाजे पर भगवान